हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम आपको बताएंगे कि शिक्षक दिवस पर आप स्कूल में भाषण कैसे दे सकते हैं। तो आज हम आपको लिखवाएंगे शिक्षक दिवस पर भाषण, इसको आप याद करके अपने स्कूल में सुना सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपने भाषण की शुरुआत हम इस प्रकार करेंगे। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सभी शिक्षकगण, आज के मुख्य अतिथि और मेरे सभी साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम, आपका जो भी नाम है आप बोल सकते हैं, मेरा नाम कविता है या मेरा नाम श्याम है, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों के सम्मान में आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए शिक्षक दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा या चाहूँगी, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे ध्यान से सुनेंगे। एक शिक्षक और शिष्य के बीच में शिक्षा और ज्ञान का संबंध होता है। हमारे जीवन में शिक्षा और शिक्षक दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी को संवारने में हमारे माता पिता के बाद इनकी सबसे अहम भूमिका होती है। जिस तरह से हमारे माता पिता ही हमारे भगवान होते हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरु में भी ईश्वर का वास होता है। यह भी सच है कि बिना शिक्षक के हमें शिक्षा और ज्ञान नहीं मिल सकता। कहते हैं कि समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, क्योंकि देर से ही सही मगर समय हमें सब कुछ सिखा देता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम सीखने में देर ही क्यों करें, क्यों ना समय रहते ही हम अपने गुरु या शिक्षक से शिष्य के रूप में पहले से ही वो सीख या ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे बाद में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। क्योंकि वो एक शिक्षक ही होता है जो हमें सिखाता है कि मुश्किल चीज़ों का सामना कैसे करना है। फिर हम बताएंगे कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भी जन्मदिन है, जिनकी याद में हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है जहां हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमारे शिक्षक केवल हमें पढ़ाते ही नहीं हैं, बल्कि हमें अच्छे और बुरे के बीच का फर्क भी समझाते हैं। उनकी कही ये बात हमें बताती है कि हमारे जीवन में शिक्षकों का होना कितना महत्वपूर्ण है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने अपने शिक्षकों से कितना कुछ सीखा है, अब भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते ही रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में शिक्षक दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए थे। इसी वर्ष 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस की खुशी के मौके पर उनके कुछ साथियों और छात्रों ने राधा कृष्णन से उनका जन्मदिन बनाने के लिए कहा। तो राष्ट्रपति जी ने उनसे कहा कि आप अगर मेरा जन्मदिन बनाना चाहते हैं तो शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मुझे आप सभी पर बहुत अधिक गर्व होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने शिक्षकों को उचित सम्मान दिलाने के लिए शिक्षक दिवस की शुरुआत की। शिक्षक दिवस की शुरुआत के साथ उन्होंने हमें बताया कि शिक्षक हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हम अपने शिक्षकों का जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है। गुरु की महिमा का बखान शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसी है गुरु महिमा। इसलिए शिक्षकों का आभार प्रकट करने का सबसे अच्छा और सस्ता रास्ता है कि हम उनका हमेशा सम्मान करें। जीवन तो हमें अपने माता पिता से मिल जाता है, लेकिन उस जीवन को हमें जीना कैसे है, यह एक शिक्षक से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। माता पिता के बाद हमारी सफलता का पूरा श्रेय हमारे शिक्षकों का होता है। ये हमारी मेहनत के साथ साथ ये उनकी मेहनत का भी परिणाम होता है। शिक्षक हमारे जीवन का वो दीपक होते हैं जो खुद को जलाकर हमारे आसपास फैले हुए अज्ञानता के अंधेरों को दूर कर ज्ञान की रोशनी भर देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने शिक्षक का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन शिक्षक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये था हमारा शिक्षक दिवस पर निबंध, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।